हरियाणा जो जातिवाद से ग्रसित था, एक आता था तो एक जाति की बात करता था, दूसरा आता था तो जातियों के समूह की बात करता था। हरियाणा के अंदर मनोहर लाल मुख्यमंत्री ऐसे आए, सब लाल जाने के बाद हमारा लाल आया और ऐसा आया कि इसने जातिवाद को समाप्त कर देगा। नौकरियां जाति देखकर नहीं ली जा सकी, विकास जाति देखकर नहीं किया जाता। हर गांव के अंदर विकास पहुंचे, हर योग्य व्यक्ति को नौकरी मिले, जाति के बगैर, भ्रष्टाचार के बगैर आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को घर में अपॉइंटमेंट लेकर देने का काम मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल जी, हम तो आपको कब से जानते थे, आप कुशल संगठक थे, पार्टी के अंदर संगठन बनाने वाले व्यक्ति की आपकी छवि थी, मगर आपको पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। आपने भ्रष्टाचार विहीन शासन कैसा हो सकता है वो दुनिया को दिखाकर हरियाणा का नाम पूरे भारत के अंदर गौरव के साथ लिया जाए, ऐसा करने का काम किया। हरियाणा के अंदर 24 घंटा बिजली स्वप्न थी, आज 8 जिले और 4,000 गांवों में 24 घंटा बिजली पहुंच चुकी है। प्रति व्यक्ति आय जो राज्य कैसा चलता है उसकी झलक होती है। पहले प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 रुपया थी और आज 1,35,000 से बढ़कर 2,26,644 रुपया करने का काम मनोहर खट्टर की सरकार ने। ऑनलाइन ट्रांसफर शून्य थी, आज 62,000 लोगों की ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुकी है। आशा वर्कर को 500 रुपया मिलता था, आज 4,000 रुपया मिलता है। आंगनवाड़ी सहायक को 3,500 मिलता था, 10,286 रुपया खट्टर सरकार देती है। मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को भी 10,000 रुपया देती है और शहीद और परिवारों की मदद के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक बल के परिवारों को 20,00,000 रुपया मिलता था। ये वीर भूमि के मुख्यमंत्री ने 20,00,000 को बढ़ाकर 50,00,000 रुपये तक शहीद के सम्मान के लिए काम किया। महिलाओं के पुलिस थाने जब खट्टर सरकार बनी 2 थे, आज 2 से बढ़कर 31 महिलाओं के पुलिस थाने बने। महिलाओं के लिए बस की सेवाएं एक भी नहीं थी, आज 181 रूम सिर्फ और सिर्फ माताओं बहनों के लिए चालू करने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिंग अनुपात 871 पर था, देश में सबसे नीचे था। 5 साल के अंदर लिंग अनुपात 871 से बढ़कर 918 बने हैं, देश में सबसे ऊपर बड़े मैदानी राज्यों में हरियाणा का है। मैं तो हरियाणा में जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाते झोली लेकर आया, हरियाणा वासियों ने मेरी झोली बड़े प्यार से कमल के फूलों से भरकर मुझे वापिस भेजा है। मैं विधानसभा चुनाव में आया, आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। मैं लोकसभा में आया, इतना प्यार दिया कि मोदी जी के नेतृत्व में 300 पार हरियाणा की जनता ने हमें करा दिया, हरियाणा की जनता ने करा दिया कि वीर भूमि फिर से एक बार मोदी जी को आशीर्वाद देगी, हमारे मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देगी। हरियाणा के लिए भी बहुत कुछ किया है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को साधुवाद देने के लिए आया हूं, बधाई देने के लिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हरियाणा जमीनों के व्यापार के लिए जाना चाहता था, जो हरियाणा की सरकारें बिल्डरों के हाथ की कठपुतलियां बनी थी, जो हरियाणा की सरकार में नौकरी एक व्यवसाय बन गया था, लेन देन का पैसा बन गया था,
मनोहर लाल खट्टर ने एक ही टर्म के अंदर हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार को भूतकाल बनाने का काम किया। पहली बार आया तब 47 सीटों के साथ भाजपा सरकार बनी थी, आज आया हूं मैं आह्वान करना चाहता हूं अब की बार 75 सीटों के साथ मनोहर लाल खट्टर सरकार बनाई। और मनोहर जी हमारे कुछ ही दिनों में चुनाव की यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसके पहले ये रैली यही भूमि पर रखी है। ये चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, इसका मुझे भरोसा है।